देवा सूर्य नारायण। भक्त जनों के पार लगायन अंधकार मिटाते तम अंधियारा दूर भगाते। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, देव और असुर आपस में संग्राम करते रहते थे। कभी देवता जीत जाते तो कभी दैत्य जीत जाते, यही क्रम चलता रहता। दोनों अपनी अपनी शक्तियां क्षीण करते जाते थे, परंतु दैत्यों ने भारी तपस्या कर अनेक अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली थी भक्तों, इसीलिए धीरे धीरे वो देवताओं पर भारी पड़ते जाते थे। वो लगातार जीतने लगे और ऐसे ही एक दिन उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार धारण कर लिया था भक्तों। अब आगे विधि का विधान क्या खेल रचा रहा है, बड़े श्रद्धा और प्रेम से मेरे साथ सुनिए भक्तों। ओ दैत्य देवता लड़ते जाते, भारी वो उत्पात मचाते। उत्पात मचाई शक्ति पर करते अभिमान, सूर्य नारायण तुम्हें स्वर्ग विहीन होकर सभी देवी देवता इधर उधर भटकने लगे भक्तों। कभी भगवान शिव की शरण में जाते तो कभी भगवान विष्णु की, कभी ब्रह्मलोक पहुंच जाते, परंतु समस्या का कोई निदान निकल ही नहीं रहा था। अंततः देव माता अदिति के चरणों में पहुंच गए और हाहाकार करने लगे। अदिति मैया भी करे तो क्या करे, किस तरह अपने पुत्रों की रक्षा करे कि तभी उन्होंने सामने देखा भगवान सूर्यदेव उदित हो रहे हैं। उनकी अनुपम शक्तियां सारी सृष्टि जानती थी। तब माँ अदिति के मन में एक विचार घर कर आया भक्तों। क्या सोच रही थी माँ अदिति, आइए आपको बताता हूँ भक्तों। सूर्य देव पर दृष्टि जमाई, माँ के मन में विचार एक आई। सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम।
पम शक्ति मन में जागी सूर्य की भक्ति उगते सूर्य को देखकर माँ अदिति के मन में विचार आया कि इन जैसा ही तेजोमय दे दिव्यमान और तेज से युक्त मेरा पुत्र होना चाहिए। मन की इच्छा अपने पति महर्षि कश्यप को बताई। तब महर्षि कश्यप ने समझाया, अदिति तुम्हारा ये विचार व्यर्थ, क्योंकि सूर्य देव का तेज कोई भी सहन नहीं कर सकता, तो भला तुम किस तरह इन्हें अपने गर्भ में धारण करोगी। परंतु माँ अदिति के मन में तो यह विचार घर कर गया था, सो उन्होंने भगवान सूर्य देव का घनघोर तप प्रारंभ किया। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर माँ अदिति को दर्शन दिए। तब अदिति ने उनसे वरदान मांगा, हे सूर्य देव, अपने तेज को कम करते हुए मेरे गर्भ में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए, और जब आप मेरे गर्भ से जन्म ले लेंगे तब वही तेज आप पुनः धारण कर लीजिएगा। अदिति माँ का मान सम्मान रखते हुए भगवान सूर्य देव ने उन्हें उनकी संतान के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दे दिया। भक्तों, गर्भ में आओ मेरे पुत्र प्रभु बन जाओ। समय पर भगवान सूर्यदेव माँ अदिति के गर्भ से पुत्र के रूप में बाहर आए भक्तों, और अपना तेज पुनः धारण कर दिया। अपनी अनुपम शक्ति के प्रभाव से पैदा होते ही भगवान सूर्यदेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। अनेक अनेक शक्तियाँ उनके तेज में चमक रही थी। भक्तों, माँ अदिति ने उन्हें देवताओं का अधिपति बना दिया, और उनके नेतृत्व में देवों और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान सूर्य देव के प्रताप से सारे असुर परास्त हो गए, और इंद्रदेव ने स्वर्ग का अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। तभी से भगवान सूर्य देव सभी के पूजनीय बन गए। भक्तों, ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवी देवता भगवान सूर्य को नमन करते हैं। तो आप और हम भी भला ये पुण्य क्यों ना कमाएं। मेरे साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बोलिए, बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की जय। ओ देवों के अधिपति थे बनाए
सूर्य देव ने दैत्य हराए। सबने चंदन तिलक लगाए, देव जी का कर लो भक्तों पूजा वंदन, सूर्य देव जी का चलो हम महिमा गाएं, तुम्हें सब कथा सुनाएं। जग की आत्मा वेदों में है बखान, पृथ्वी का पालन पोषण सब इनके सारे काम, ईंधन उस मताप के बल से ऊर्जा से ये भरते, मानव को ये अभय बनाते प्रसिद्धि दे देते, बदलता पथ देखो इनसे ही मानव जीवन का, कर लो भक्तों पूजन वंदन सूर्य देव जी का चलो हम महिमा गाएं, तुम्हें सब कथा सुनाएं। माता अदिति के प्यारे हैं दिन कर बड़े निराले, खुशहाली हर जन को देते विपदा हरने वाले, सूर्य देव के ध्यान बिना पहचान न जग में मिलती, इनके वंदन से ही देखो खुशी की कली है खिलती, जीवन में हर सुख मिल जाता होती दूर व्यथा, कर लो भक्तों पूजन वंदन सूर्य देव जी का चलो हम महिमा गाएं, तुम्हें सब कथा सुनाएं। राजा प्रतापी था, मैं तुमको कथा सुनाऊं, वीर बड़ा बलवान कहाए उसकी बात बताऊं, उसको अपनी शक्ति पे था बहुत बड़ा अभिमान, सबको ये ही बतलाता था मैं हूँ बड़ा बलवान, सत्ता के मद में भरमाया ऐसा राजा था, कर लो भक्तों पूजन वंदन सूर्य देव जी का चलो हम महिमा गाएं, तुम्हें सब कथा सुनाएं। रानी उसकी बड़ी दयालु सूर्य देव को ध्याए, लेकिन राजा कभी न माने उस पे रोब जमाए, पत्नी जब भी करती पूजन आकर विघ्न वो डाले, सोच के रानी रोती रहती सूर्य देव संभाले, ऐसा मानिक मिलता बोलो उसको भक्ति का, कर लो भक्तों पूजन वंदन सूर्य देव जी का चलो हम महिमा गाएं, तुम्हें सब कथा सुनाएं। बस वो राजा बोला क्यों करती हो पूजा, मुस्सा शक्तिशाली जग में कोई न होगा दूजा, सूर्य देव से ज्यादा तेज है मुझ में सुनो समाया, फिर काहे को सूर्य देव का पूजन तुमको भाया, उस
की अकल पे पड़े थे ताले, आगे सुनो कथा। कर लो भक्तों पूजन वंदन सूर्य देव जी का, चलो हम महिमा गाएं तुम्हें सब कथा सुनाएं। आगे से मत करना पूजा पापी ऐसे बोला, सूर्य देव को दुत्कारा था, खून था उसका खोला। रानी उसको समझाती थी, उसकी समझ न आए, हल क्या निकले कोई बताए, रानी समझ न पाए। सूर्य देव ही हल निकाले ऐसे पापी का, कर लो भक्तों पूजन वंदन सूर्य देव जी का, चलो हम महिमा गाएं तुम्हें सब कथा सुनाएं। दिन उसका क्रोध बढ़ा तो रानी को वो निकाले, महल से बाहर उसे धकेला, पापी रोष दिखाए। जब आता है पल विनाश का तब ही ऐसा होता, काल का पहिया कहाँ से घूमे कहाँ ये निश्चित होता। दशा बुरी थी हाल बुरा था, सुन लो रानी का। कर लो भक्तों पूजन वंदन सूर्य देव जी का, चलो हम महिमा गाएं तुम्हें सब कथा सुनाएं। जंगल में जा वास किया था एक ऋषि ने रोका, परिधानों से पहचाना था, रानी को है देखा। किस कारण तुम वन में आई, कारण तो बतलाओ, देखने में तुम रानी लगती, कष्ट है क्या समझाओ। रानी ने तब किया विस्तार कर्म कहानी का, कर लो भक्तों पूजन वंदन सूर्य देव जी का, चलो हम महिमा गाएं तुम्हें सब कथा सुनाएं। राजमहल में रहने वाली जंगल में थी रहती, सूर्य देव का पूजन करती, रूखा सूखा खाती। इधर वो राजा शक्ति दिखावे, अपना राज्य बढ़ाए, कई राज्यों को जीता उसने, खुद पे बड़ा इतराए। फल मिलने वाला था उसको अपनी करनी का, कर लो भक्तों पूजन वंदन सूर्य देव जी का, चलो हम महिमा गाएं तुम्हें सब कथा सुनाएं। उसके सैनिक साजिश रच कर योजना एक बनाते, दूसरे राजा से मिलकर सारा भेद बताते। सूर्य देव ने रच दी माया, युद्ध हुआ तब भारी, वीर प्रतापी की सेना देखो अब युद्ध में हारी। शत्रु ने उसे बनाया बंदी, आगे सुनो कथा। कर लो भक्तों पूजन वंदन सूर्य देव जी का, चलो हम महिमा गाएं तुम्हें सब कथा सुनाएं। देव जी स्वप्न में आए, राजन को समझाया, रानी का अपमान किया है उसका पाप बताया। पत्नी की पूजा के बल से था तू विजय को पाता, तूने उसको तज कर मूर्ख जोड़ा ऐसा नाता। वापस तू सम्मान दिला दे अपनी रानी का, कर लो भक्तों पूजन वंदन सूर्य देव जी का, चलो हम महिमा गाएं तुम्हें सब कथा सुनाएं। सुनाएं।
राजन को जब बोध हुआ तो मन ही मन पछताया, अभिमानी का सिर था नीचा उसने नहीं उठाया। उसने साहस तब दिखलाया, बंधन तोड़ के भागा। फिर उसने सेना बना, ऊर्जा का जोड़ा धागा। राजन ने तब ध्यान किया, भक्तो दिन कर जी का, कर लो भक्तो पूजन वंदन सूर्य देव जी का। चलो हम महिमा गाए, तुम्हें सब कथा सुनाए। वन में पहुंचा, रानी को ढूंढवाया। ऋषि आश्रम में ही उसने पत्नी को था पाया। चरणों में गिर क्षमा मांगता, बोला मैं हूँ पापी। अभिमानी बन फिरता था, मैं दशा हो गई कैसी। तुमसे ही मुझे जीत मिलती, मैंने ध्यान दिया। कर लो भक्तो पूजन वंदन सूर्य देव जी का। चलो हम महिमा गाए, तुम्हें सब कथा सुनाए। हारा राज्य फिर से जीता, अतुलित बल को पाया। रानी का सम्मान किया, तब सूर्य ने वचन निभाया। रानी को वो महल में लाया, सूर्य देव हर्षाए। सेना उसकी बढ़ने लगी, और फिर से बल को पाए। देखा जग ने बल था भारी, उसकी हस्ती का। कर लो भक्तो पूजन वंदन सूर्य देव जी का। चलो हम महिमा गाए, तुम्हें सब कथा सुनाए। कृपा से उसने नगर में मंदिर एक बनवाया। पति पत्नी वहां करते पूजा, सूर्य से सुख पाया। सूर्य देव ने भरे भंडारे, खुशियां तब बरसाई। ऐसी महिमा सूर्य देव की हमने कथा सुनाई। जो भी सुनता और सुनाता, भव से वो तरता। कर लो भक्तो पूजन वंदन सूर्य देव जी का। चलो हम महिमा गाए, तुम्हें सब कथा सुनाए। देव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। बोलिए सूर्य देव भगवान की। भक्तजनों, भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रकाश के साक्षात स्वरूप हैं। उपनिषदों में भगवान सूर्य के तीन रूप माने गए हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। यद्यपि सूर्य निर्गुण निराकार हैं, तथा अपनी माया शक्ति के संबंध में सगुण आकार में भी हैं, तथापि भगवान सूर्य देव नारायण की सदा सदा सच्चे हृदय से उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव हर सुबह पूर्व दिशा से उदित होकर अपने सात घोड़ों के रथ पर सवार होकर आते हैं, तथा इस सृष्टि से तम अंधियारा दूर भगाकर सृष्टि में अपनी किरणों के माध्यम से प्राणों का संचार करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं भक्तों, कि पहले भगवान सूर्य सिर्फ तेजोमय स्वरूप में थे, फिर कैसे उन्होंने देवता के स्वरूप में जन्म लिया? आइए
आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको वेद पुराणों में वर्णित ये पावन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। तो भगवान सूर्य देव नारायण के चरणों में ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं ये पावन संगीतमय कथा। जय भानु जय जय दिनकर भुवन भास्कर नाम, आपके तेज प्रकाश को कोटि कोटि प्रणाम। पावन जन्म की गाथा है गाकर तुम्हें सुनाऊं, सूर्य देव की महिमा को भक्त तुम्हें बतलाऊं। भक्तजनों, बात उस समय की है जब दैत्य और देवता आपस में सदा सदा युद्ध करते रहते थे, सदा आपस में लड़ते रहते थे। जन्म जन्म का बैर था दोनों में। कभी देवता हावी हो जाते तो कभी असुर जीत जाते, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। यहाँ तक कि दैत्य गुरु और देव गुरु भी उनकी इस रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो गए थे। परंतु दैत्यों ने अपने तप के बल पर अनेक अनेक शक्तियां हासिल कर ली भक्तों, और फिर हुआ वही जिसका भय था। एक दिन दैत्य सेना ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, और इसका क्या परिणाम हुआ भक्तों, आइए आपको सुनाता हूँ। दैत्यों की और देवों की होती रोज लड़ाई, स्वर्ग पर फिर कर दी थी दैत्यों ने चढ़ाई। दैत्यों ने फिर कर डाला स्वर्ग पे था अधिकार, देवी देवता कर डाले स्वर्ग से बिल्कुल बाहर। दैत्यों ने बलपूर्वक देवी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया भक्तों। इंद्र का आसन छीन कर उसे स्वर्ग से विहीन कर दिया। इंद्रादि सभी देवी देवता माँ अदिति की शरण में आए और हाहाकार करने लगे। माँ अदिति अपने बच्चों का ये हाल देखकर अत्यंत दुखी हुई भक्तों, और भारी हृदय से कोई उपाय सोचने लगी किस तरह इन देवी देवताओं को स्वर्ग वापस पहुंचाऊं और किस तरह इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर फिर से बैठाऊं। के तभी उनकी दृष्टि झरोखे से बाहर सूर्य देव नारायण पर पड़ी। ऐसा तेजोमय स्वरूप देखकर माँ अदिति के मन में एक विचार आया भक्तों, और वो विचार क्या था, आइए श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। अदिति माँ ने जब किया सूर्य देव दीदार, उनके मन में आ गया भक्तों एक विचार। किसी और का तेज नहीं सूर्य देव के समान, क्यों ना ऐसी हो जाए मेरी एक संतान। जय जय सूर्य भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम। जय जय सूर्य भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम। भगवान सूर्य देव नारायण के तेज को देखकर
माँ अदिति के मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा ही तेजोमय स्वरूप वाला मेरा एक पुत्र हो जाए। जब ऐसा तेजोमय पुत्र मेरा होगा तभी इन देवताओं का कल्याण हो सकेगा। यह सोचकर माँ अदिति भगवान सूर्य देव नारायण का तप करने लगी ताकि वो पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म ले सके। माँ अदिति के पति ऋषि कश्यप ने उन्हें बहुत समझाया कि भगवान सूर्य देव का तेज आप ग्रहण नहीं कर सकेंगी, इसलिए इस विचार को त्याग दीजिए। परंतु माँ अदिति अपने निश्चय पर अटल थी, सो भगवान सूर्य देव नारायण का घनघोर तप किया, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। यह सब देखकर भगवान सूर्य देव नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और माँ अदिति को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब माँ अदिति ने उन्हें उनके गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य देव नारायण ने तथास्तु कहकर माँ अदिति के मन की इच्छा पूर्ण कर दी। भक्तों, दर्श दिखाया सूर्य ने, दिया अभय वरदान, शीघ्र ही बनकर आऊंगा आपकी संतान। पुत्र रूप में आपको माँ अदिति थी पाए, देवी देवता मिल कर के जय जयकार लगाए। भगवान सूर्य देव नारायण ने पुत्र रूप में माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया। तभी भगवान सूर्य नारायण का एक नाम आदित्य भी है। भक्तों, जन्म लेते ही भगवान अपने साकार स्वरूप में आ गए। अत्यंत तेजोमय रूप, बलवान, शक्तिशाली, स्वर्ण के समान आभा वाले ऐसे पावन, पवित्र और शक्तिशाली पुत्र को पाकर माँ अदिति भी धन्य हो गई। माँ अदिति ने भगवान सूर्य देव नारायण को देवताओं का अधिपति बना दिया। भक्तों, तथा उनके नेतृत्व में देवताओं ने असुरों पर चढ़ाई कर दी। घनघोर युद्ध हुआ, परंतु भगवान सूर्य देव नारायण के तेज के आगे सभी असुर परास्त हो गए और स्वर्गलोक छोड़कर भाग खड़े हुए। माँ अदिति ने इंद्रदेव को स्वर्ग का राज उन्हें लौटा दिया और देवी देवता भी पुनः स्वर्ग में स्थापित हो गए। सभी ने मिलकर माँ अदिति और भगवान सूर्य देव नारायण की सच्चे हृदय से जय जयकार की। तो आप भी इस अवसर को मत चूकिए। भक्तों, मेरे साथ सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। देवों का फिर अधिपति सूर्य देव को बना, सूर्य देव दिए दैत्यों को युद्ध में भक्तों हरा। चंदन तिलक लगाए के देव करे जयकार, सूर्य देवता कर रहे भव सागर से पार। जय जय सूर्य भगवान।